राइट नाउ इट्स 3 AM इन द मॉर्निंग, रात बोलो या मॉर्निंग बोलो कुछ भी बोलो, एशियन फुटबॉल फैंस के लिए तो ये नॉर्मल है। अगर चैंपियंस लीग हो रहा है या फिर कोई लीग हो रहा है तो एशियन फुटबॉल फैंस के लिए, जो यूरोपियन फुटबॉल को फॉलो करते हैं उसके लिए तो नॉर्मल है। तो सब क्या ही बताओ, तो ना हालांकि मैच बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, 2:30 बजे के करीब ख़त्म हो चुका था, सेलिब्रेशन भी ख़त्म हो चुका था एंड सबको पता है मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। हालांकि अगर रिजल्ट अपोजिट होता तो तब भी मैं वीडियो बनाता, क्योंकि इट्स अ स्पेशल मोमेंट फॉर ऑल रियल मैड्रिड फैंस। अगर रिजल्ट अपोजिट होता तो क्रूज के लिए थोड़ा बुरा लगता, क्योंकि क्रूज, नाचो, सब लोग, एवरीवन्स लास्ट सीजन, और मॉड्रिच का भी शायद सेकेंड लास्ट सीजन है, हालांकि वो नेक्स्ट सीजन स्टे करेगा और नेक्स्ट सीजन या फिर 2 more seasons, पता नहीं, अब उसका डिसीजन उसके ऊपर है, तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो रियल मैड्रिड आर द चैंपियंस ऑफ यूएफा चैंपियंस लीग फॉर द 15th time, हिस्टोरिक 15th time, कोई आसपास भी नहीं है। अगर मैं लास्ट टीम की बात करूँ हमारे पीछे, तो वो है एसी मिलान जो 7th टाइटल पे है, 6th पे लिवरपूल जो 2 साल पहले जीता था उसके लिए उसका 6th टाइटल, और उसके पीछे बायर्न, बार्सिलोना और जितना भी तुम कह सकते हो, आयाक्स जो भी कह सकते हो। तो मैच सबको पता था कि रियल मैड्रिड का अपर हैंड होगा मैच पे, इसमें तो कोई दौड़ा ही नहीं है। कि किसी ने नहीं सोचा था कि डॉर्टमंड का अपर हैंड होगा या फिर डॉर्टमंड बहुत डोमिनेट करेगा। हाँ, हालांकि बहुत लोगों का सोचना ये था कि मैच बहुत वन साइडेड होगा, क्योंकि रियल मैड्रिड का जैसा टीम है, जैसा परफॉर्मेंस था लास्ट 4-5 मैच से, या फिर अगर कह सकूँ तो सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल जैसे प्लेइंग पोजीशन था, जैसे प्लेयर का परफॉर्मेंस था, तो कुछ एक्सपेक्टेड था कि वन साइडेड फाइनल होगा, बट वो हुआ नहीं। दैट्स अ गुड थिंग फॉर फाइनल, क्योंकि वन साइडेड फाइनल होता तो वैसे ही सब लोगों को बोरिंग लगता था, कि नॉर्मल जैसे लगता है कि वन साइडेड फाइनल हो रहा है, मतलब क्या ही हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव साइड फॉर डॉर्टमंड, एंड फर्स्ट हाफ में जैसा डॉर्टमंड ने खेली, दैट्स अ वेरी डोमिनेंट फुटबॉल। मतलब मैं कभी भी बॉल पोजिशन के उतना सपोर्ट पे नहीं हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बस डियर फर्स्ट हाफ पे रियल मैड्रिड के पास आई थिंक ऑलमोस्ट 65% बॉल पोजीशन था और ओनली 35% डॉर्टमंड के पास था, लेकिन 7 to 8 shots डॉर्टमंड ने क्रिएट किया था, चांसेस क्रिएट किया था, और 7-8 शॉट्स था जिसमें से 2 एटलीस्ट गोल तो हो ही सकते थे। जो आई थिंक 21st या 23rd मिनट में जो गोल था, मतलब गोल होना था, एकदम ओपन स्पेस था ऑन साइड का, वो गोल मिस हुआ, और उसके बाद भी एकदम ओपनर था जो गोल हो सकता था, जो डॉर्टमंड को एक लीड दे सकता था और अच्छा खासा एक लीड दे सकता था, वो उसने बॉटल नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसे चैंपियंस लीग हाई वोल्टेज मैच फाइनल में अगर तुम खेल रहे हो तो तुम्हारे ऊपर हजारों लाखों फैनों का प्रेशर होगा, तुम खुद का एक प्रेशर है, तो सब कुछ मिला के यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग। सो उसका तो वो है, तो वो प्रेशर तो अलग अलग लेवल का चला जाता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि वो अलग गलत था या फिर कुछ था, लेकिन हाँ, वो पास मिस होना या फिर वो फिनिश ना होना, उसके लिए प्रॉब्लम हुआ। और सेकेंड हाफ में हम लोगों को पता था कि रियल मैड्रिड पूरा अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ जितना रियल मैड्रिड का प्लेस था वो बहुत ही डिफेंसिव प्लेस था, वो लोग सब देख रहे थे कि डॉर्टमंड कैसा प्ले बनाता है, डॉर्टमंड कैसा ओपनर क्रिएट कर रहा है, और फर्स्ट हाफ में ही 2 येलो कार्ड मिला था डॉर्टमंड को, एंड एक आई थिंक एमरी चैन को मिला था और एक मैथ हैमिल्स को मिला था, मुझे एमरी चैन का पूरा याद है, हैमिल्स का आई थिंक सेकेंड हाफ या फर्स्ट हाफ कहीं तो मिला था, लेकिन फर्स्ट हाफ में 2 येलो था मुझे इतना याद है। तो वो सब एक होता है ना, जो एक
पावर सोकिंग चीज था वो रियल मैथ ने फर्स्ट हाफ पे किया था। हालांकि रियल मैथ का फर्स्ट हाफ पे उतना अटैकिंग पोजीशन थी ना नहीं था, या फिर उतना फिनिशिंग नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि रियल मैथ उतना अटैक पे जा नहीं रहा है, मतलब वो थोड़ा ही बॉल बॉल होल्ड कर रहा है, बॉल सिर्फ डॉर्टमंड का प्ले देख रहा है, डॉर्टमंड कैसा अटैक कर रहे हैं वो देख रहा है, और जस्ट वो होता है ना कि सोकिन करना, पावर सोकिन करना, वो सिर्फ रियल मैथ फर्स्ट हाफ पे कर चुका था कि डॉर्टमंड जितना भी प्रेस कर रहा है, जितना भी पावर दे रहा है, वो सब अपने ऊपर खींच रहा है। और हैट्स ऑफ टू कोर्टुआ कि वो दो सेव था, नहीं तो वो फर्स्ट हाफ पे एक गोल तो आ ही जाता डॉर्टमंड से। तो दैट्स द सेकंड थिंग। एंड टोनी क्रूस जाता जाते एक असिस्ट करके गई, एंड दैट कॉर्नर असिस्ट, वो बार बार कोशिश कर रहा था कि कॉर्नर से गोल आए तक, क्योंकि जितना भी रियल मैड को कॉर्नर मिला, चार या पांच रियल मैड को कॉर्नर मिला था, चार और पांच ही टोनी क्रूस ने लिया था, और एवरी टाइम ही वॉज फोर्सिंग टू शूट द बॉल इनसाइड द बॉक्स, एंड कभी भी शॉर्ट पास देके ऐसा ट्राई नहीं कर रहा था कि लॉन्ग शॉट ट्राई करूँ, वो डायरेक्ट थ्रू कॉर्नर ले रहा था एंड ट्राई कर रहा था कि अगर उससे गोल मिले। और 73rd मिनट पे डानी करवाल का वो शानदार शॉट, वो कॉर्नर पे वो गोल, वो शॉट सेव नहीं हो सकता था, वो ऐसा ही एकदम ब्यूटीफुल आर्ट था, जो वो बॉल किसी भी गोलकीपर से सेव नहीं होता। एंड 83rd मिनट पे जो जूट का जो पास एंड बेलिंगहम का अपना फिनिशर्स का फिनिश, ही इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर राइट नाउ, लेकिन मेरा कुछ कुछ प्रॉब्लम है विनी से, मतलब बहुत लोग एग्री करेगा, बहुत लोग एग्री नहीं करेगा, मुझे कभी कभी विनीशियस का प्लेस थोड़ा सेल्फिश लगता है, लेकिन हालांकि वो अभी बहुत ग्रोइंग स्टेज पे है, बहुत सीख रहा है या फिर बहुत अच्छा खेल रहा है, उस लेवल पे जा रहा है, तो ठीक है कभी कभी, लेकिन कभी कभी टीम के बारे में भी सोचना होता है। तो विनीशियस का कभी कभी मुझे, हालांकि फाइनल में उतना देखने को नहीं मिला था, लेकिन थोड़ा बहुत तो है, लेकिन सेकेंड गोल वॉज ऑसम, एंड आफ्टर द सेकेंड गोल एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड। 83rd मिनट पे जब विनी का गोल आया था, उस टाइम पे समझ गए थे एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड, एंड आफ्टर दैट सेकेंड गोल एंसेलोटी सब सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। 85 मिनट पे मॉड्रिच, देन मॉड्रिच एंड होसेलू, देन 89th मिनट पे वास्केज, वो ईच एंड वन एक्स्ट्रा डिफेंडर मिलिटाओ जब आया था इसके आगे, तो उस टाइम पे एंसेलोटी को भी पता था कि वो एक एक्स्ट्रा डिफेंडर खिला के वो बॉल को जस्ट होल्ड करेगा, और जस्ट वैसा ही हुआ। तो इट्स अ नॉर्मल गेम फॉर रियल मैड्रिड, इट्स अ डोमिनेंट गेम, डोमिनेट नहीं बोलूंगा क्योंकि सेकंड हाफ ओनली डोमिनेट किया था, एंड आई थिंक दैट्स ओनली अ गुड पोजिशन एंड गुड थिंग। सो या इफ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर टीम, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर ऑल प्लेयर्स, ऑल कोचिंग स्टाफ्स, जैसे एंसेलोटी ने खड़ा किया है ये टीम, जैसे इतना इंजुरी, मतलब अगर ये सीजन की बात किया जाए, बहुत सारा इंजुरी था सीजन के पहले ही, एडन मिलिटाओ इतना टॉप फॉर्म, इतना टॉप एक डिफेंडर, वो इंजर्ड हुआ पूरा एक साल के लिए, उसके बाद कोर्टुआ मेन पर्सन जो 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच था, जो एक हम लोगों का एकदम वॉल बोलते हैं जिसको, वो फर्स्ट हमारा फर्स्ट चॉइस गोलकीपर चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी और भी ज्यादा, मतलब मैं तो दो बोल रहा हूँ, उसके बाद दविद अलाबा है उसके, लेकिन उस उतना सारा इंजरी के बावजूद भी ये टीम को ऐसे दो ट्रॉफी, तीन ट्रॉफी जिताना एक सीजन में। अब तुम बोलोगे कि तीन ट्रॉफी कैसे है, रियल लालिगा, UCL एंड सुपर कोपा, तो हुआ ना तीन ट्रॉफी। हालांकि हम लोग CDR नहीं जीत पाए, नहीं तो ऑथेंटिक ट्रिबल हो जाता, लेकिन ये भी हम ट्रिबल कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग दो से खुश रहेंगे, लेकिन लगातार दो बार ऐसा, लेकिन इतना इंजरी के बावजूद भी दो ट्रॉफी, मेजर दो ट्रॉफी टीम को दिलाना और क्लब को देना, ये आई थिंक कार्लो एंसेलोटी कर सकता है, और ही इज द जीनियस माइंड एंड वन ऑफ द कामेस्ट पर्सन यू हैव एवर सीन। जब दानी करवाल का गोल हुआ था, उस बंदे का कुछ रिएक्शन नहीं था, जब उसको देखोगे कि वो जस्ट घूम के जस्ट उसका एक वॉकिंग दिया, तो इज मैन ऑफ द हेवन।
और जब विनी का जब विनिंग गोल आया था तब तब भी उसका वैसा कुछ रिएक्शन था नहीं, वो ऐसा ही रहता है. सो या दैट्स इट, इट्स डन फॉर द सीजन 23-24-25, सॉरी. सो इट्स डन फॉर द सीजन फॉर 23-24 एंड वी आर द ऑफिशियल विनर ऑफ ला लीगा एंड यूसीएल. सो बी वेरी प्राउड ऑफ योर टीम. जस्ट अपने चेस्ट के ऊपर हाथ डालो और थोड़ा प्राउड फील करो और क्या. एंड डू कमेंट इन द डू एंड डू कमेंट कि तुम्हें फाइनल कैसा लगा, कितना डोमिनेंट लगा तुम्हें. मुझे तो बड़ा पसंद आया, मतलब वन साइडेड नहीं था लेकिन फिर भी फाइनल होना ऐसा ऐसा भी बहुत अच्छा लगता है. तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें कैसा लगा फाइनल लगा, और ऑल ओवर द सीजन रियल मैथ का प्लेस क्या था एंड व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर अपकमिंग सीजन. क्योंकि जितना लिंक आ रहा है उससे मैं बहुत हम्बे लेना चाहता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि बहुत गलत हो चुका है हम लोग के साथ. इफ वी आर नॉट गोइंग रॉन्ग, एम्बापे इज कमिंग, बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग एज अ ऑफिशियल और एज अ एकदम वैसा वाला, क्योंकि मैं अभी भी जब तक वो ऑफिशियल स्टेटमेंट रियल मैथ के सामने से नहीं आएगा तब तक मैं कुछ कमेंट ही नहीं करूंगा इसके ऊपर. सो या एम्बापे आ रहा है, अल्फोंसो डेविस आएगा, उसके बाद इनरिक आ रहा है. सो देर आर लॉट 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 ऑफ मोर पीपल्स, लॉट ऑफ मोर प्लेयर्स आर कमिंग. सो होप फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन एंड जस्ट एंजॉय. या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एंड हला मद्रिद.